नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 मई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में जबरदस्त हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 231 नए मामलों की पुष्टि की गई थी। पाए गए सभी मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो किशनगंज में 17, सहरसा में 12, अररिया में 3, दरभंगा में 12, गया में 5, भागलपुर में 14, नालंदा में 4, सारण में 5, खगड़िया में 23, वैशाली में 1, बांका में 15, सुपौल में 8, गोपालगंज में 4, सिवान में 5, शेखपुरा में 7, लखीसराय में 4, जमुई में 1, मधेपुरा में 1, अरवल में 1, ईस्ट चंपारण में 10, जहानाबाद में 4, मधुबनी में 31, समस्तीपुर में 1, शिवहर में 1, बेगूसराय में 1, रोहतास में 35 मामले सामने आए हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार 80.59% स्टूडेंट हुए पास। बीते दिन कहे गए समय अनुसार बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम की घोषणा सरकार ने कर दी, जिसके बाद लगभग 81% स्टूडेंट्स के पास होने की खबर सामने आई है, जिसमें से 403,392 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं। 524,217 सेकेंड डिवीजन से पास हुए। वहीं परीक्षा में हिमांशु राज ने टॉप किया है। जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार हिमांशु को 96.20% मार्क्स आए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है वह बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com या onlinebsceb.in पर जाकर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड टॉपर बने हिमांशु राज। बीते दिन बिहार बोर्ड में मैट्रिक के परिणाम की घोषणा की गई थी। बिहार के हिमांशु ने इसमें बाजी मारी है। रोहतास की जनता हाई स्कूल के छात्र हिमांशु राज ने 96.20 अंक के साथ इस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी वजह से 14 घंटे वो रोजाना पढ़ते थे। टॉपर रहे हिमांशु की माँ पांचवी पास है। हालांकि पिता सुभाष राज ग्रेजुएटेड है, मगर पिछड़ी जाति में आने की वजह से ग्रामीण स्तर पर वह ट्यूशन पढ़ाते हैं और सब्जी बेचते हैं, जिसकी जानकारी हिमांशु ने खुद एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी है। हिमांशु के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद उसके माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर की है। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 800 पार। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से प्रवासी मजदूरों की आवाजाही शुरू हुई है तब से मामले में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या 800 पर पहुंच गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुद साझा की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोविड 19 के बढ़ते मामले के रोकथाम में लगा हुआ है। बिहार में कोविड 19 की वजह से 14वें व्यक्ति की गई जान। बिहार में कोविड 19 की वजह से 14वें व्यक्ति की जान चली गई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए ताजा अपडेट के बाद हुई है। खबरों की माने तो यह व्यक्ति नालंदा का रहने वाला था। इससे पहले पटना, वैशाली और खगड़िया के रहने वाले दो दो मरीजों की जान गई थी। इसके अलावा नालंदा, मुंगेर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सारण, सासाराम, सिवान और बेगूसराय के रहने वाले एक मरीज की भी जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से बिहार में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के रोकथाम में लगातार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिदिन 10,000 जांच होने का किया दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार में हर दिन 10,000 जांच करवाने का दावा किया है, जिसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है और सभी अस्पतालों और सभी जिलों की जांच सुविधाओं को बढ़ाए जाने का भी आदेश दे दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों से पर्याप्त संख्या में RT-PCR मशीन, ट्रूनेट मशीन, CBNet मशीन, टेस्टिंग किट को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करवाने का आदेश जारी किया है। बिहार में अब तक 15,36,000 प्रवासियों की हो चुकी है वापसी। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक मुख्य कारण प्रवासियों की आवाजाही को माना जा रहा है। क्योंकि जब से प्रवासियों की आवाजाही शुरू हुई है तब से बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो अब तक 15,00,000 से ज्यादा प्रवासी वापस बिहार लौट चुके हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में उनके वापस लौटने के बाद जारी किए गए आंकड़े के बाद पता चली है। क्योंकि 2650 कोविड 19 मरीजों की संख्या में से 1754 मरीज ऐसे हैं जो 3 मई के बाद दूसरे प्रदेश से लौटकर बिहार आए हैं और कोविड 19 से प्रभावित हैं। दरभंगा की ज्योति का नाम बिहार सरकार के सभी योजनाओं में होगा शामिल। गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची ज्योति की किस्मत रातों रात बदल गई है। जहां कल तक ज्योति के नाम को कोई नहीं जानता था, वहीं आज देश से लेकर विदेश तक ज्योति के नाम की चर्चा हो रही है, जिसके बाद ज्योति की मदद के लिए कई सारे लोग सामने भी आए हैं। वहीं इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने ज्योति के घर जाकर उससे मुलाकात की है। साथ ही राज्य सरकार की सभी योजनाओं में उसे शामिल करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, कोविड 19 के कारण बंद के माहौल में ज्योति ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय किया था। कृषि मंत्री ने बिहार के किसानों को दूसरे राज्य में भी फसल बेचने की दी छूट। कोविड 19 के इस माहौल में बिहार सरकार लगातार कोशिश करके किसानों को राहत देने की पहल को तेज कर रही है। इसी क्रम में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बीते दिन किसानों के हित में ऐलान करते हुए बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। इस घोषणा में बिहार के किसानों को काफी फायदा होगा, जिससे कि किसान आसानी से अपने फसल को दूसरे राज्य में भेज पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में पहले से कृषि उपज विपणन अधिनियम 2006 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाकी सभी राज्यों में इसके प्रभावी रहने के कारण दूसरे राज्य में फसल उत्पाद को बेचने में परेशानी होती थी। टॉपर की फैक्ट्री के नाम से मशहूर सिमुलतला स्कूल नहीं कर सका कमाल।
मैट्रिक की परीक्षा परिणाम पर पिछले 4-5 सालों से अपना दबदबा रखने वाला सिमुलतला आवासीय विद्यालय को इस बार काफी ज्यादा झटका लगा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार मैट्रिक के टॉप 10 लिस्ट में 41 विद्यार्थी हैं, जिनमें सिर्फ 3 छात्र सिमुलतला के हैं। जिसके बाद सिमुलतला आवासीय विद्यालय के हेडमास्टर ने बताया कि इस साल के मैट्रिक परिणाम में स्कूल के जिन 3 टॉपर ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार का मैट्रिक परिणाम निराशाजनक रहा। परिणाम के बाद इस बात का आकलन किया जाएगा कि आखिर कहां किस बात की कमी रह गई। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बिहार को ज्यादा हिस्सेदारी देने के लिए लिखा पत्र। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज में बिहार को ज्यादा हिस्सेदारी मिले इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिहार जैसे राज्यों को पैकेज में ज्यादा हिस्सेदारी देने की वकालत की है। साथ ही प्रदेश की हालत का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं करने से बिहार जैसे राज्यों को लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके तहत उन्होंने लिखे गए अपने पत्र की फोटो भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। उन्होंने आगे कहा है कि कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा आर्थिक समस्याओं और चुनौतियों से बिहार को सामना करना पड़ रहा है। सुपर 30 संस्थान ने ज्योति को पढ़ाने का दिया न्योता। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण बंद के ऐलान के बाद जगह जगह से प्रवासियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं इसी क्रम में बीते दिन गुरुग्राम से दरभंगा वापस लौटी ज्योति की चर्चा हर ओर की जा रही है। हर तरफ से आर्थिक के साथ साथ तमाम तरह की मदद ज्योति को पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन सुपर 30 के संस्थापक ने ज्योति की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। सुपर 30 संस्थान में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए ज्योति को न्योता दिया गया है। अब यह फैसला ज्योति को लेना है कि उन्हें इस संस्थान में एडमिशन लेना है या नहीं। पटना वासियों का गर्मी से होगा इस बार बुरा हाल। कोविड-19 के माहौल के बीच गर्मी लगातार अपना कहर बरपा रही है। बीते दिन राजधानी पटना में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी। वहीं आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है। वहीं गया की बात करें तो गया का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। बीते दिन यहां का तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी पटना में बुधवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने के अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो 28 मई तक बिहार की हालत लगभग ऐसी ही बनी रहेगी। अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। IBRT बिहार ने महाराष्ट्र सरकार को जितनी मर्जी उतनी ट्रेन भेजने की दी अनुमति। बिहार मुख्य सचिव दीपक कुमार ने महाराष्ट्र सरकार को जितनी संख्या में ट्रेनों को बिहार भेजना चाहती है उतनी संख्या में भेजने की अनुमति दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार का यह स्पष्ट निर्णय है कि बिहार से बाहर फंसे बिहार के लोगों को वापस किसी भी हाल में लाना है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार प्रवासी बिहारियों को वापस भेजने के लिए जितनी भी संख्या में ट्रेन भेजना चाहती है आराम से भेज सकती है। अब तक महाराष्ट्र की तरफ से 24 ट्रेन भी भेजी जा चुकी है। बिहार में 17 IAS ऑफिसर की हुई प्रोन्नति। कोविड-19 के इस माहौल में प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके तहत सरकार के आदेश के बाद 17 IAS ऑफिसर का प्रमोशन कर दिया गया है। इन सभी अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा कई विभाग में सचिव, अपर सचिव, निर्देशों का प्रबंध निदेशकों के पद पर तैनाती की गई है। वहीं अधिकारियों को भी विशेष सचिव के पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा खत। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार में राजनीति भी चरम पर है। इसी क्रम में रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी न किसी बात पर टिप्पणी करते रहते हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 9 सुझाव दिए हैं, जिसके तहत सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को खेतीहार मजदूर के रूप में इस्तेमाल करने, कार्य दिवस में कम से कम 200 दिन तक बढ़ाए जाने, योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर परेशानियों की वजह से वास्तविक मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाने, अन्य योजनाओं में भी रोजगार का अवसर बढ़ाने, राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम करने, प्रवासी एवं स्थानीय मजदूरों को बकरी पालन में काम में लगाने, राज्य में चलाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर के इंतजाम को तुरंत ठीक करवाने, वहीं अविलंब राज्यों के मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों के खाते में नगद राशि डलवाए जाने की मांग की है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर कसा तंज। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बीते दिन भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि सुशील मोदी शिखंडी की तरह बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। टिटहरी आसमान की ओर पैर कर सोती है क्योंकि उसको भ्रम है कि बगैर किसी सहारे के हवा में टिका आसमान धरती पर कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अपने पैरों से उसे रोककर धरती को बचा सकती है। कुछ ऐसा ही भ्रम सुशील मोदी को भी अपने बारे में। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हीं के निर्देशों पर भाजपा के दिशा निर्देश तय करते हैं, पर हकीकत यह है कि इनकी खुद की पार्टी ही इनसे किनारा करना चाहती है। सैनिक स्कूल में अगर नौकरी करने की इच्छा है तो जल्दी करें। जिन भी अभ्यर्थियों को सैनिक स्कूल द्वारा निकाले गए 17 विभिन्न पदों के लिए आवेदन भरने की इच्छा है वह जल्द से जल्द इसके आधिकारिक वेबसाइट sainikschoolnalanda.bis.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन के अनुसार अंतिम तारीख से पहले आवेदन भर सकते हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं बैंड मास्टर ड्रम मेजर कोर्स मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके सामान्य योग्यता होना भी अनिवार्य होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जुलाई तय की गई है।
बिहार में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में बीते दिन से प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने उनका पंजीकरण शुरू कर दिया है। रोजगार पोर्टल पर उनका पंजीकरण क्वारंटाइन में किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद विभाग की ओर से लगने वाले रोजगार में जॉब फेयर में उनकी रोजगारी को सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए अलग अलग विभाग भी काम में लगी हुई है। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद शिक्षा मंत्री ने सभी पास हुए छात्रों को दी बधाई। बीते दिन बिहार में मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद बिहार बोर्ड के समयानुसार ही जारी की गई थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए सभी परीक्षार्थियों को बधाई दी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद कहा है कि लॉकडाउन के दौरान करीब 15 लाख कॉपियों की जांच कर परिणाम घोषित करना बड़ी बात है। इसके साथ ही मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा नेतरहाट की तर्ज पर स्थापित सिमुलतला विद्यालय के परीक्षार्थियों के टॉप 10 में अब तक के सबसे खराब परफॉर्मेंस की समीक्षा करने का भी ऐलान किया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फिर से एक बार लोगों को दी नसीहत। इंडिया टीवी के आंकर सुशांत सिन्हा के साथ जिला सम्मेलन लाइव कार्यक्रम में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भोजपुरी में सभी लोगों से अपील करते हुए कोविड 19 के इस माहौल में नियमों का पालन करने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोविड 19 का सामना करने की हिम्मत रखने को भी कहा है और यह भी कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस डटकर इसका सामना करना है। वहीं उन्होंने ऐसे लोगों को भी सतर्क किया है जो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाते रहते हैं। अंत में उन्होंने कोविड 19 के खिलाफ मानवता को उजागर करने की नसीहत दी है। बिहार से चलने वाली 22 ट्रेनों के लिए बुकिंग की रफ्तार पड़ी धीमी। भारतीय रेलवे ने 1 जून से देश भर में ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी, जिसके तहत बिहार से भी 22 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली थी। हालांकि इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है, क्योंकि बिहार से बाहर जाने के लिए बहुत कम यात्री टिकट की बुकिंग करवा रहे हैं। खबरों की माने तो 22 ट्रेनों में लगभग 20% टिकट की ही बुकिंग हुई है। सोनू सूद ने प्रवासियों की मदद के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कई दिनों से लोगों की मदद के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने हजारों प्रवासियों को महाराष्ट्र से अपने अपने राज्य पहुंचाने का काम किया है। इसी क्रम में उन्होंने अब सभी प्रवासियों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं और आपने घर जाना है तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें, जिसके लिए अब जो भी प्रवासी महाराष्ट्र के आसपास फंसे हैं उन्हें 1800-1213711 पर कॉल करके बताना होगा कि कितने लोग यहाँ फंसे हैं और कहाँ उन्हें जाना है। हरभजन सिंह ने वापस टीम इंडिया में लौटने की जताई इच्छा। कोविड 19 की वजह से सभी खिलाड़ी अपने घर पर रहने पर मजबूर है, लेकिन सभी खिलाड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस के साथ रूबरू होते रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिन भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह भी लाइव चैट के दौरान अपने फैन के साथ रूबरू हुए थे, जहां पर उन्होंने टीम इंडिया में दोबारा से खेलने की इच्छा जताई है, जिसके तहत हरभजन सिंह ने कहा कि वह राष्ट्रीय टीम के साथ T20 प्रारूप में खेलने को तैयार है। वह IPL में खेल रहे हैं और इसीलिए देश के लिए भी T20 खेल सकते हैं। आपको बता दें, हरभजन IPL में मुंबई की तरफ से खेल चुके हैं। हरभजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज है। कोविड 19 संक्रमित के पास आने से आरोग्य सेतु ऐप में सायरन बजने वाली खबर निकली गलत। कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कई तरह की गलत बातें सोशल मीडिया पर सुनने में मिल रही थी। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह सुनने में आया था कि अगर कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप की सुविधा वाले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो अपने आप ऐप में सायरन बजने लगता है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह खबर बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कोई भी फीचर फिलहाल इस ऐप में शामिल नहीं किया गया, जिसकी जानकारी MyGOV इंडिया ने दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनोज कुमार, हर्ष कुमार, विप्लव देव, आलोक कुमार, संजय नाथ, ऋषभ कुमार, संजीव कुमार, संजना सिंह, सुरभि कुमार, सुमन मित्तल, तेजस कुमार, राकेश कुमार, सुनीता सिंह, अवंतिका राठी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बीते दिन मैट्रिक के रिजल्ट को देखते हुए आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कितने सुधार किए गए हैं और कितने नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।